गुड फ्राइडे के मौके पर रांची के चर्च में भगवान यीशु को याद किया गया। चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन तो हुआ, लेकिन ऑनलाइन ही प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ऑनलाइन प्रार्थना को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी सोशल मीडिया लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सामान्य तौर पर गुड फ्राइडे के दिन मसीही चर्चों में जाकर प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, लेकिन इस बार यह नहीं दिखा। सभी लोगों ने घर से ही ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लिया। चर्च में फादर ने पूरी दुनिया को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गुड फ्राइडे के मौके पर विशेष प्रार्थना की। गुड फ्राइडे या भला शुक्रवार, जो हम इस संसार में रहने वाले उन ख्रिस्त विश्वासी या मानव जाति पर पाप पड़ने के कारण परमेश्वर उन पापों से बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त को, जो हमारे उद्धार करता है, भेजा। और जैसे कि हम दूसरे धर्मों में भी पाप का प्रायश्चित के लिए बलि अर्पण किया जाता है, तो हमारे पापों के लिए या उससे शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को क्रूस काट पर बलिदान किया और उनके बहाए गए लोहे के द्वारा जो उस पर विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा किए जाते हैं। और ये गुड फ्राइडे के दिन हम मनुष्य जाति के क्रियाकलाप, बोली वचन, जो एक मानव समाज में उनका उचित स्थान होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए, हम ऐसे दुख की घड़ी में विचलित होते हैं और अपने स्वार्थ की बातों को प्राथमिकता देते हैं। किंतु गुड फ्राइडे में यीशु मसीह क्रूस काट पर से सात अमर वाणियों को उनके विश्वासियों को दिया है और आज मसीही उस पर अमल करते हुए एक त्याग, बलिदान, सेवा का जीवन को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अर्थात ये गुड फ्राइडे हमारे विश्वासियों के लिए एक परित्याग और सेवा के भावना को एक दूसरे से प्रेम रखते हुए आगे बढ़ाने की शिक्षा देता है। सर, ये कोविड के गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग इस साल किस तरीके से मना रहे हैं गुड फ्राइडे? जैसे ही हमारे झारखंड सरकार का जो दिशा निर्देश हम सबों के बीच में लाया गया मीडिया के माध्यम से या चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, तो उनका अनुपालन हम चर्च के कमेटी के द्वारा हमने इस पर विचार विमर्श किए और जो गाइडलाइन हमें मिला है उनका प्रतिपालन करते हुए मसीही समाज को शिक्षा देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि 31 मार्च के बाद ये कोविड-19 को लेकर के हमारे भीड़ भाड़ या धार्मिक स्थलों में भीड़ ना जुटाने का एक निर्देश दिया गया था, तब हमने अपने चर्च में एक नोटिस जारी किए और ऐसा भीड़ नहीं कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश मिला है उनका पालन करते हुए हम कोविड-19 से बचने का लोगों को भी सलाह दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो प्रेयर होता है, चाहे सर्विस होता है, उसमें हम लोग डेली प्रत्येक रविवार का सर्विस में इसको हम लोग शामिल करते हैं। विश्व जो इसे निदान पाने के लिए न सिर्फ परिवार या क्रिश्चियनिटी के बीच में, पूरा दुनिया के लिए हम लोग इसको अपना प्रयास में शामिल करते हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।